फाइनली गाइस आज हमारी टीआईसी प्रोजेक्ट में आपका स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं पिचकारी विद एयर पंप सेम, जी हमारी 30 रुपये की आई थी। आपको चाहिए तो हमको कमेंट कर दें, हम आपको लिंक शेयर कर देंगे एयर पंप की। ठीक है गाइस, ऐसी हम आज पिचकारने वाले हैं, सबसे बेहतरीन। इसका प्रेशर काफ़ी हैवी होगा क्योंकि कल की है हमारी होली, इसलिए हमको बनानी थी पिचकारी। ठीक है, अब फाइनली गाइस अब करते अपनी वीडियो स्टार्ट, अब चलते हैं मेरे स्टूडियो में। फाइनली गाइस आज के हमारे स्टूडियो में ये हमारी बोतल है पेप्सी की 2 लीटर में। ये हमारी एयर मोटर है 6-12 वोल्टेज में, काफ़ी अच्छी है ये। ये हमारी लिथियम बैटरी है 3.7 वोल्टेज में, इसमें हम 2 बैटरी का इस्तेमाल करेंगे। ये हमारा बैटरी होल्डर है 2 पे, ये हमारा ऑन ऑफ है। ये हमारा पाइप है वाटर लेवल वाला, या आप कैसा इसमें पतला पाइप इस्तेमाल कर सकते हो। ये भी आपको मार्केट में कहीं भी पाइप मिल जाएगा ये, वैसे तो आपको इजीली। पहली बार हमें ये बोतल, पहले इसके ऊपर से इसके रैपर को हम उखाड़ लेंगे। कटर का सावधानी से इस्तेमाल करें। इस कटर को बच्चे ने इस्तेमाल करें। ये हमारे पॉलिथीन, इसके ऊपर से मैंने पार्ट के उपाड़ लिया। अब करेंगे हम इसमें आयरन से होल एक, आप इसमें पाइप के साफ होल करें, मतलब पाइप से इसमें छोटा सा होल, पाइप से कम होल करें इसमें, जिससे कि पाइप इसमें फंस सके, टाइट आ जाए फिर इस, क्योंकि इसमें हमको बॉन्ड डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फिर हमें इसमें अब बॉन्ड लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसमें, ये हमारा पाइप डायरेक्ट लग जाता है इसमें। इसमें ऐसे रत्ती भर भी एयर बाहर नहीं निकलेगी। ठीक है, पहले इस मोटर में करेंगे दो वायर लगाएंगे इसमें हम। ये हम दोबारा इस कर देंगे सोल्डरिंग। हम इसके पीछे रेड और वाइट मार्क होता है, मतलब रेड माने प्लस और वाइट माने माइनस होता है इसमें, आप देख के लगाएंगे पीछे एयर मोटर में। ये मैदान उतार हो चुके हैं रेडी लग के। अब इसको कर देंगे इसमें फिक्स, हम डबल साइड टिप चुका के इसके एयर मोटर को हम। इसका प्रेशर तो बहुत तगड़ा है इसका, इसे आप मिनी पंप भी बना सकते हो कि इसकी हमारे गाड़ी में हवा भर देता है। 2 एयर पंप लानी हमें ओनली सिर्फ। अगली वीडियो में आप वही हम आपको बना के दिखाएंगे। अब चिपका देंगे इसके ऊपर हम इसको। सब प्रेशर तो बहुत तगड़ा आता है, अपने आप वीडियो में दिखाएंगे लास्ट में जाके हम, जब बन जाएगी पूरी हमारी पिचकारी। हमारी चिपक के रेडी। अब ढक्कन के ऊपर होल कर लेंगे बड़ा सा एक, जैसे कि हमारा वो वाटर लेवल पाइप था इसमें लगाने के लिए, इसमें पहले होल कर देंगे आयरन से होल करेंगे इसमें भी हम। जी हमारा लोच का रेडी, थोड़ा बड़ा होल करेंगे पाइप के हिसाब से। इसमें तो हमको बॉन्ड लगानी पड़ेगी क्योंकि ये ढक्कन में लगाने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि इसे ये हमारा मेन पाइप है पानी के लिए, इसीलिए इसी पर ढक्कन कर लेंगे फिनिशिंग। ये बहुत ही ईजी है इसे कनेक्शन भी। इस पाइप को इसमें लगा देंगे, फिक्स कर देंगे हम। हमारा चला गया हमारा पाइप बोतल के हिसाब से, इसका हम पाइप निकाल लें इसमें, जितना डिस्टेंस बोतल का हो उतनी पाइप इसमें से निकाल लें, फिर इससे इसको बॉन्ड से चिपकाने ऊपर से।
जिससे हमारा एयर बाहर ना निकलेंगे। इसमें हम एयर जनरेट होगी इसके अंदर सो एयर पंप से, जिससे ये बंद हो जाएगा। अब इसको बैटरी होल्डर उस पर चिपका देंगे हम, इनमें हम दो बैटरी डालेंगे लिथियम की। जी हमारी 3.7 वोल्टेज 9 वोल्टेज आते हैं टोटल, इसे हमारे 9 वोल्टेज निकलेंगे। अब एक तार में बोल लगा देंगे, अब लेंगे ऑन ऑफ एक, ये हमारा ऑन ऑफ है। इसकी कर देंगे हम सोल्डरिंग, जिससे हमारे सब चिपक जाए। आयरन को आप बच्चे से इस्तेमाल ना करें, बड़े से इस्तेमाल करवाने से, क्योंकि इसमें आपके हाथ जलने की दिक्कत रहती है इसमें। बाय कर लेंगे इसलिए। दोनों पहले कर देंगे सोल्डरिंग, जिससे कि हमारे ऑन ऑफ पे हमारा वायर ठीक से लग जाए। हम एक और लगा देंगे, जिससे हमारी बैटरी चार्ज होगी। इससे ये हमारा 3B होता है, मतलब पीछे करेंगे तो एक तरफ कर देंगे तो बैटरी चार्ज के लिए, ऑन करेंगे तो बैटरी चार्ज ली होगी, हमारे डायरेक्ट चलना स्टार्ट हो जाएगा। ये जो बैटरी का तार हो वो हम बीच में लगाएंगे, और मोटर वाला होगा हम उसे इधर और चार्जिंग वाला इधर लगाएंगे। एक ही से हमारे दोनों सिस्टम जाएंगे चार्ज भी। जब हम चार्ज करेंगे तब ये हमारी मोटर नहीं चलेगी, हमने ऐसे कनेक्शन किए हैं इसके। ऐसे कनेक्शन तो बड़ी इजी हैं। लग के रेडी, अब करेंगे हम मोटर में से एक तार आ रहा है और एक बैटरी होल्डर में तार आ रहा है, हम दोनों कर लेंगे अटैच। हम एक अलग से वायर लेंगे जिसके लिए हम जो बैटरी हम इसे चार्ज करेंगे उसके लिए हमें अलग से तार निकाला है निकालेंगे। हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, जो समझ नहीं आए हमें कमेंट कर दें। आपको हम पर्सनली हम कमेंट करके आपको समझा देंगे, उसकी हम फुल वीडियो बना के भेज दूंगा, जो आपको जिस पार्ट में भी आपको दिक्कत हो। इसको हम टेप से चिपका देंगे, जिससे हमारे लिख लेना चलाने पे हम जब होली खेलेंगे इसे। हम ये हमारी टेम्परेरी पिचकारी है, आपको होली के लिए खाली बनाई थी हमने। बहुत ही तगड़ा इसका प्रेशर है, आपको भी दिखाई नहीं चला के, लमसम 20 फिट का इसका प्रेशर होता है, 20-25 फिट। रेडी, हम इसमें भरेंगे पानी। ठीक गाइस, चालू हो गई, ऐसी हमारी बन के रेडी। अब हम पाइप में लगा देंगे, पेन लेंगे दो रुपये वाले, उसके आगे पीछे से काट के इसमें लगा देंगे, जिससे हमारा नोजल का काम करेगा। ये हमारा मतलब हमारे पॉइंट इससे बन जाएगी, ये हमारी बन के रेडी। अब इस पर हम डाल के दिखाएंगे इसको, ये हमारा लग गई।
अब इसमें चल रहे हैं पानी भरने। ठीक है, इस बोतल में भर लिया है पानी। ये हमारा पानी आ चुका है, अब डालेंगे इसमें। अब देखना इसमें भी बबल्स करना स्टार्ट होंगे आपको, बबल्स मतलब इसमें एयर स्टार्ट होगी बढ़ना, जिससे हमारा प्रेशर बनेगा इससे। अब चाय को दिखाएंगे, अपने का इसमें बबल्स बनना स्टार्ट हो गए। बंद कर दी। फाइनली गाइज हमारी ये पिचकारी तैयार है, होममेड पिचकारी, ओनली 30 रुपये में बनाई हमने ये। हम बस मार्केट से हमने खाली गियर वो एयर मोटर लाए थे। ठीक है, सब इसकी दिखाते टेस्टिंग करके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जरूर, इसको करते हैं ऑन। ये हमारा ऑन ऑफ लगा है इसमें, इसको करेंगे अब चालू। ये हमने चालू कर दिया, आप देख सकते हो इसके अंदर बन रही एयर बबल्स दिखाई दे रहे होंगे आपको बनते हुए। ये हमारी वो एयर मोटर लगी, यहाँ से एयर जा रही है और अंदर एयर जनरेटर हो रही है। अब करेंगे इसकी, देखो आप देख सकते हो इसकी काफ़ी इसकी लेंथ ज़्यादा है जाने में पिचकारी की, आप देख सकते हो। इसका प्रेशर तो बहुत ही अच्छा है, इसमें हमने रंग लाया था। इसे देखो कितना तगड़ा प्रेशर है इसका। ओ भैया, इसे बंद कर दे। बढ़िया वर्क कर रही थी हमारी वीडियो। अच्छी अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। ठीक है, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।